वेलकम बैक वंस अगेन शिराज़ खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास है उन लोगों के लिए जो यूट्यूब की दुनिया में अपना कुछ नाम बनाना चाहते हैं, अपना कोई करियर बनाना चाहते हैं, और उसी से जुड़ी एक शख्सियत से मैं आज आपको मिलाने वाला हूँ जिन्होंने यूट्यूब में अपना एक नाम बनाया है और एक अपना मुकाम बनाया है। जी हाँ, आज मिलते हैं मोहम्मद याया, जिनका यूट्यूब चैनल नेम है ग्लोबल सेंटर। मोहम्मद याया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुक्रिया फिराज़। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपकी यूट्यूब जर्नी के बारे में, तो हम जाहिर सी बातें पता करेंगे, मगर उससे पहले मैं पता करूंगा कि आप अपनी कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं हमें। पर्सनल लाइफ ये कि मैं पुरानी दिल्ली ही में पैदा हुआ और यहीं पला बढ़ा, तो जाहिर है यहाँ का माहौल, यहाँ की तहजीब, यहाँ का कल्चर शामिल है हमारी हर रगो रेशे में। स्कूलिंग मेरी अजमेरी गेट एंगलोर स्कूल से हुई। आपकी फैमिली बैकग्राउंड में कितने लोग हैं और आपके फादर क्या करते थे, किस प्रोफेशन में थे? हमारा फैमिली बिजनेस था, एक छोटा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, और मेरे वालिद ने उसमें अच्छा काम किया, अच्छा नाम कमाया, और अल्हम्दुलिल्लाह इतना नाम कमाया कि उनको उद्योग पत्र अवार्ड से भी नवाजा गया। अरे वाह। जो कि उस वक्त के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया था उनको। ये कौन से ईयर की बात है? ये 80s की बात है, 82 82 की बात है। वेरी नाइस। तो बहरहाल वक्त आता है, दौर आते हैं, वो बिज़नेस आज धीरे धीरे फिर वो सैचुरेट हुआ, अपने ऊपर गया, फिर उसके बाद वो चाइना आ गया, बहुत सारे उसमें उतार चढ़ाव हुआ है। अच्छा, मतलब शुरू से बचपन में एक माइंड सेट हो गया था, क्योंकि यूट्यूब को आए हुए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मगर जाहिर सी बात है आप उससे पहले बाय प्रोफेशन आपने कहाँ से शुरुआत की, किस चीज़ में इंटरेस्ट था और कहाँ आपने अपने काम की शुरुआत की है? देखिए, फैमिली बिजनेस तो जैसे मैंने बताया आपको बिल्कुल ही अलग नेचर का था। राइट। मुझे फ़ोटोग्राफी का शौक़ था, तो मेरा रुझान ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ था। मैंने बाय प्रोफेशन में ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और साथ में मैं कमर्शियल फ़ोटोग्राफी करता हूँ शुरू ही से। 2004 से मैं इस प्रोफेशन में था और अबू ने भी मुझे इसके अंदर बढ़ावा दिया। उसके बाद मेरे पास एक पूरी सीरीज़ थी सन 2006 से लेके 2019 तक के हरम शरीफ के फ़ोटो की, यानी मक्के ग्रैंड मॉस्क की, तो उसको मैंने दो बार शोकेस किया इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में, मेरी एग्जीबिशन लगी फ़ोटोज़ की। उसके बाद आया दौर वीडियोज़ का, मेरे पास वीडियोज़ भी बहुत सारे, मेरा एक कलेक्शन था, तो मुझे लगा कि वीडियोस को शोकेस करने के लिए यूट्यूब बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म है। क्या आपको ऐसा लगता था जब आप पहली बार सऊदी अरबिया गए और आपने अपनी फ़ोटोग्राफी को शोकेस करना शुरू किया, तो आपने पहले टारगेट बना लिया था कि मुझे यूट्यूब करना है, या फिर वो एक अलग मकसद था, कोई व्लॉगिंग का कोई दिमाग में रखा नहीं आपने? कभी भी मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं व्लॉगिंग करूँगा, ये शौक़ ही था जो मोल्ड होता चला गया और इसको प्लेटफॉर्म मिल गया और हालात मिल गए, तो आज आपके सामने है। तो आप कौन से सन में आपने ये दिमाग में आया कि यार नहीं, ठीक है, अब फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा हो गई है, अब हमने वीडियो में आना है और व्लॉगिंग करना है, यूट्यूब के लिए काम करना है? देखिए, सन 2019 की जनवरी में मैंने ये चैनल शुरू किया था ग्लोबल सेंटर, और उसके बाद जो मटेरियल मेरे पास ऑलरेडी था जो कि इस मकसद से शूट नहीं हुआ था, उसको यूज़ किया, लोगों को दिखाया, लोगों ने पसंद किया, और फिर मैंने एक ट्रिप प्लान किया सन 2019 के दिसंबर में, तो वो लास्ट जो मेरा विज़िट था मक्के और मदीने का, उसके फ़ौरन बाद आपको पता है कि कोविड हो गया, सारी दुनिया बंद हो गई, तो मेरा लास्ट विज़िट भी वो था, और वही फुटेज आपको मेरे चैनल पे मिलती है। आपका जो चैनल का नाम है ग्लोबल सेंटर, वो दिमाग में क्या था जो इस तरीके का नाम आपने सोचा, क्योंकि आप करते हैं फूड ब्लॉगिंग? हाँ, देखिए, नाम है आपका ग्लोबल सेंटर, यही वजह थी उसका, ये ऐसा एक जेनरिक नेम रखने की कि मेरे चैनल के नाम से कोई टॉपिक जाहिर ना हो, क्योंकि मुझे पता था कि ये आगे चल के मैं डाइवर्ट करूँगा, और इसीलिए ग्लोबल सेंटर जो नाम था वो हालांकि अपने अंदर काबे को दर्शाता है, काबा ग्लोब का सेंटर है, right. तो उसको दिमाग में रखते हुए मैंने ये नाम रखा था ग्लोबल सेंटर, और ये मेरे जहन में था और मक्के से रिलेटेड भी था, और एक ऐसा नाम भी था जो सीधा सीधा मक्के को रिप्रेजेंट भी नहीं कर रहा था। क्या आपको लगता था YouTube ही इतना इनफ है? देखिए, ऐसा होता है कि जब आप अपने शौक़ को परसू करते हैं तो वो उस मुकाम पर पहुंचने लगता है कि फिर आपको उससे अर्निंग भी शुरू होती है, अर्निंग सेकेंडरी थी ऑब्वियसली, कभी भी ये नहीं सोचा था कि यूट्यूब को मैं बुरी नहीं लगती, लेकिन अपना जो शौक़ है उसको ज़रूर परसू करना चाहिए आपको। ओके, और फिर जब आप ग्लोबल सेंटर शुरू हो गया, मक्के की वीडियोज़ आपने डाल दी, फिर सडन आपने प्लान चेंज किया फूड ब्लॉगिंग के लिए? ये सडन चेंज नहीं था, जहन था कि जब मेरे मक्का मदीना के सीरीज़ पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं फुल फ्लैश फूड रिव्यूज़ में आऊँगा, फूड ब्लॉग्स करूँगा, इसके अंदर फूड ब्लॉग्स भी रहेंगे, ट्रैवल भी रहेंगे, ये मेरा शुरू से इरादा था और उसी इरादे को लेकर मैं आगे चल रहा हूँ। अब जो आपके सामने है वो उसी इरादे की दूसरी कड़ी है।
पहले सऊदी की जो आपने व्लॉग डाले थे जी, और उसके बाद आपने एकदम फूड के ऊपर चेंज करा जी, तो आपके जो सब्सक्राइबर हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ चेंज बहुत बड़ा चेंज आता है। जब भी आपके साथ अगर 10 सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं तो वो आपके उस टॉपिक पे जुड़ते हैं जो आप ऑलरेडी उनको सर्व कर चुके हैं, जो आप उनको दिखा चुके हैं। उसके बाद जब अचानक से आप कोई नया टॉपिक लेकर आते हैं चैनल के ऊपर तो एक ट्रांजिशन आता है, बहुत पेनफुल ट्रांजिशन होता है, आपके सब्सक्राइबर्स घट भी जाते हैं। और लेकिन वो जिसने अगर वो उतार चढ़ाव अगर आपने झेल लिए तो फिर जो आपको मज़ा आएगा वो अच्छा होगा। मोहम्मद याया, आप ये बताएं कि ये जो सफ़र रहा आपका YouTube का, जीरो सब्सक्राइबर से लेकर आज आप तकरीबन 1 लाख के करीब आपके सब्सक्राइबर हैं, तो ये कैसा रहा, कैसी जर्नी रही, कितनी स्ट्रगल आपने फेस की? देखिए, सबसे बड़ी जो मार पड़ती है वो पड़ती है नाउमीदी की, मायूसी की। जिसने ये झेल ली सब्र के साथ, सिर्फ एक काम करना है, आपने अच्छा कंटेंट बनाना है, इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाना है, और उसके अंदर बनावट नहीं होनी चाहिए। कंटेंट कभी भी चैनल को मोनेटाइज करने के इंतज़ार में मत बनाइए, हमेशा अपना बेस्ट दीजिए। और ये भूल जाइए कि सब्सक्राइबर कितने बढ़ रहे हैं, मेरे व्यूज़ कितने हो गए। रोज़ सुबह उठकर अपने व्यूज़ मत देखिए, और ये मत सोचिए कि कब 4000 घंटे मेरे पूरे हो जाएंगे, कब मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मत कीजिए, सिर्फ अच्छा कॉन्टेंट बनाइए। एक मायूसी कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है, मायूसी गुनाह है, मायूस मत होइए और अपना काम करते जाइए। जब मेहनत एक जगह कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही होती है, आपको बज़ाहिर लगता है कि मेहनत आपकी काम नहीं कर रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं इकट्ठी हो रही होती है, और वो इकट्ठी जब होती है और एक साथ आपको मिलती है तो मज़ा आता है। एक और बात आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछना चाहूँगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूट्यूब पे अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि आपका जो ये सफ़र रहा लाइक ज़ीरो से लेकर पहले 1000 सब्सक्राइबर पूरा करना और 4000 का जो वॉच टाइम पूरा कंप्लीट करना, ये कितना वक्फे में आपने पूरा कर लिया था? 2019 में मैंने चैनल क्रिएट किया था, और अगस्त 2019 में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था, और मैंने इसमें ना कोई बेसब्री दिखाई थी, ना कोई बहुत ज़्यादा मोनेटाइजेशन के लिए मैंने इंतज़ार किया था। बस कंटेंट देते चले गए, लोग देखते चले गए, लोगों ने पसंद किया, अल्लाह का करम हुआ। यूट्यूब को लेकर आगे के क्या प्लान है? देखिए, प्लान्स क्लियर हैं। अभी तक जो फर्स्ट फेज़ था वो हमारा मक्का और मदीना के ब्लॉग्स का था, वो फेज़ हमारा निकल चुका। अब हमारा जो चल रहा है वो मेनली फूड ब्लॉगिंग का चल रहा है। जैसे कहते हैं कि सुधार अपने घर से शुरू होता है, इसी तरह से मैंने फूड ब्लॉगिंग में भी सबसे पहले अपना शहर पकड़ा हुआ है। मैं दिल्ली से शुरू कर रहा हूँ, दिल्ली धीरे धीरे, बहुत बढ़िया, दिल्ली धीरे धीरे ही कवर होगी, लेकिन इंशाल्लाह दिल्ली के बाद, दिल्ली के बाद दूसरे शहरों में जाएंगे, और वो जब कंप्लीट हो जाएगा तो फिर अगले 5 साल में देखेंगे दुनिया में और कहाँ कहाँ रिस्क उतरा हुआ है हमारा, वहीं जाएंगे जहाँ का दाना पानी लिखा हुआ है। अच्छा, आपको लगता है कि YouTube के अलावा आपको किसी और काम की ज़रूरत है, कोई और प्रोफेशन में जाने की, या आपको कोई साइड बिजनेस करने की ज़रूरत पड़ती है? बात यह है कि जो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशन है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कमर्शियल फोटोग्राफी, वो तो अपनी जगह चल ही रहा है और चलता रहेगा। YouTube एक ऐसी चीज़ है कि जब ये आपके साथ जुड़ जाता है और आपका सिंक हो जाता है आपकी लाइफ में, तो ये खुद अपनी जगह बनाता चला जाता है। तो हो सकता है आगे मुझे इसमें ज़्यादा वक्त देना पड़े, अगर ऐसा हुआ तो उसके हिसाब से फैसला ज़रूर किया जाएगा। एक बहुत ही अहम सवाल है आपके लिए, फैमिली का कितना बड़ा रोल रहा आपके लाइफ में और आपके यूट्यूब के इस जर्नी में? देखिए, फैमिली की सपोर्ट के बगैर मैं नहीं समझता कि कोई भी शख्स दुनिया में काम कर सकता है। जिसकी फैमिली ही ना हो वो एक अलग एक्सेप्शनल केस हो गया, लेकिन अगर फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। फैमिली की मेरी पूरी सपोर्ट रहती है, मेरी वाइफ की, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा बेटा और मेरी एक बेटी है छोटी, उन दोनों की भी बहुत सपोर्ट इस तरह से रहती है कि जहाँ कहीं भी मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कभी मेरा बेटा कैमरा कर रहा होता है, कभी मेरी बेटी कैमरा कर रही होती है, और मेरी जो लखनऊ की ट्रिप थी उस पूरी ट्रिप में मेरी वाइफ ने कैमरा किया है, तो साथ चलता है। फैमिली के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, आप एक और बात मैं ये बताएं कि अगर जो आज के अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं और जो चाहते हैं अपना करियर बनाना इस प्रोफेशन में यूट्यूब को लेकर, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कोई शॉर्टकट है? शॉर्टकट दुनिया में कोई नहीं है भाई, हर चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है, उस पर आपको चलना पड़ता है। आप एक साथ 12वीं सीढ़ी पर पैर कभी भी नहीं रख सकते, आपको 11 सीढ़ियों से गुजर के ही ऊपर जाना पड़ेगा। और नए यूट्यूबर्स के लिए बस एक ही बात यह है कि भाई, अगर शौक़ है तो शुरू कीजिएगा, कमाई की नीयत से शुरू करेंगे तो आप बहुत जल्दी हार जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। शौक़ ही आपको आगे लेकर चलेगा, शौक़ ही आपको मजबूर करेगा कि आप मायूस होने के बाद भी काम करें। अच्छा, आप ये बताएं कि जाहिर सी बात है आप वीडियो डालते हैं तो आपको बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते होंगे और नेगेटिव भी कमेंट्स आते होंगे, तो उनको आप कैसे टैकल करते हैं? देखिए, पॉजिटिविटी, पॉजिटिव कमेंट, तारीफ तो हर किसी को अच्छी लगती है,
लेकिन जो कड़वाहट आती है वो दो तरह की होती है, एक तो वो कड़वाहट होती है जो सिर्फ जहर ही छोड़ रहे होते हैं, एक वो कड़वाहट होती है जो पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होता है। उसको सेपरेट करने की समझ बहुत ज़रूरी है कि कौन आपको सिर्फ बुरा कहने के लिए बुरा कह रहा है और कौन आपको पॉलिश करने के लिए कोई बात कर रहा है। तो ऐसा होता है कि जहर आता है, बहुत जहर आता है, मैं उसको म्यूट कर देता हूँ, बस इतना करता हूँ। अच्छा, और ऐसा भी होता होगा कि आपके जितने व्यूअर्स हैं वो आपसे डिमांड भी करते होंगे बहुत सारी चीज़ों की कि उनको क्या देखना पसंद है, तो उसको किस तरीके से हैंडल करते हैं फिर आप? देखिए, जब आप एक टॉपिक पे काम करते रहेंगे ना तो आपको ये मल्टीपल डिमांड्स नहीं आती। इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अब सबको पता है जो ऑडियंस जुड़ी है वो सिर्फ खाने ही देखने के लिए जुड़ी है। अब ज़्यादा से ज़्यादा ये डिमांड आ जाती है, भाई हमारी सिटी आइए, हैदराबाद आइए, आप आगरा आइए तो आपको हम ये बताएँगे। तो ये मैं समझता हूँ लोगों का प्यार है और ये जितना रिसीव हो उतना अच्छा लगता है। अच्छा, कभी अब ऐसा होता है कि जब बाहर निकलते हैं घर से, फैमिली के साथ होते हैं, लोग आपको, क्योंकि जब इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो लोग आपको पहचानने लगते हैं और एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती है? हाँ, ये बहुत अहम टॉपिक है। नए यूट्यूबर्स को मैं ये ख़ास तौर से बताना चाहता हूँ कि 5,000-10,000 सब्सक्राइबर हो गए तो अपने आप को सेलिब्रिटी समझना ना शुरू कर दिया करें। यूट्यूब में कामयाब होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिदायत मेरी ये है कि आप कभी भी इतराइएगा नहीं, क्योंकि आपके काम को पसंद किया जा रहा है। अगर आपके अंदर ज़रा भी गुरूर आया तो आपका काम स्पाइल हो जाएगा और फिर आप ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि भाई ने पूछा कि कोई ना कोई सब्सक्राइबर टकरा ही जाता है। होता क्या है, जब हम कहीं शूट कर रहे होते हैं तो वहाँ पर गुजरते हुए लोग भी देखते हैं कि हाँ यहाँ एक शूट हो रहा है, तो उनमें कोई ना कोई ऐसा होता है जिसने हमारा चैनल देखा हुआ होता है, तो मुलाकातें होती हैं। बज़ाहिर तो सब्सक्राइबर 80,000 के करीब हैं लेकिन वीडियोस मिलियंस ऑफ टाइम्स चल चुके हैं, तो बहुत लोगों ने देखा है, 10% लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो मुलाकातें तो होती हैं। और जब मुलाकात होती है इस तरह से लाइव किसी सब्सक्राइबर से तो बहुत ज़्यादा बूस्ट आता है, बड़ा अच्छा लगता है और वही वो वक्त होता है कि आपको अपनी मेहनत का सिला नज़र आता है। जी, फैमिली की सपोर्ट तो आपके साथ रही है हमेशा, मगर जो रिश्तेदार होते हैं और जो कम्युनिटी वाले लोग होते हैं, जाहिर सी बात है उनका कैसा रिस्पांस रहता है कि आप कहीं सड़क पे खड़े हुए किसी चीज़ को कैप्चर कर रहे हैं, सड़क पे खा रहे हैं और बात कर रहे हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मुझे खाने का शौक़ तो हमेशा से रहा, लेकिन मैं कोशिश करता था कि सड़क पे खड़ो के ना खाऊं, लेकिन अब सब कुछ करता हूं। दूसरी बात ये कि इन्होंने, शिराज ने पूछा कि फैमिली के अलावा जो रिलेटिव और फ्रेंड्स होते हैं वो हूट करते हैं, सबको हूट करते हैं, तो उनके लिए एक सेंटेंस अपने माइंड में रखिएगा, जो भी कोई ब्लॉगिंग कर रहा है या इस तरह का क्रिएटिव काम कर रहा है जिसको ये डर है कि मुझे हूट किया जाएगा, मजाक उड़ाया जाएगा, बस एक बात ध्यान में रखिएगा, जो कोई भी मजाक उड़ा रहा है वो दरअसल सिर्फ मजाक उड़ा सकता है, वो काम कर नहीं सकता जो वो आपको करते हुए देख रहा है। इसलिए ये एक जेलस फील है कि वो आपको मजाक उड़ा के अपने आप को सुकून दे रहा है। आपके लिए ये कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए कि कोई आपका मजाक उड़ा रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आप काम कर रहे हैं। के साथ हम कुछ करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर राउंड और जानते हैं उनकी कुछ इंटरटेनमेंट की जर्नी कैसी रही। अगर आपको एडवेंचर ट्रिप पे जाने का मौका मिले तो आप किसको ले जाना पसंद करेंगे और क्यों? अपनी वाइफ को, मुझे सपोर्ट करती है हर तरह से। लव मैरिज और अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज, 100% अरेंज। आपकी अरेंज मैरिज है? 100%। ओके, फेवरेट ड्रिंक? पेप्सी। कोई ऐसी शख्सियत आपकी ज़िंदगी में जिसको आप कभी भूल नहीं सकते? मेरे वालिद। आपके लिए एक ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है? स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली फैमिली और वीकनेस है खाना। आपकी हॉबी? हॉबी है म्यूज़िक और अच्छी फोटोग्राफी। एक गैजेट जो आप हमेशा अपने साथ रखते हैं? गोप्रो। अच्छा, गोप्रो। एक अल्फाज में अगर आपको अपने आप को डिस्क्राइब करना हो? इमोशनल। ओके, कोई एक ऐसा काम जिसको करने के बाद आज आप खुद अपने आप में फ़ख्र फील करते हैं? मेरे यूट्यूब चैनल। ओके, आपकी पसंदीदा खाने की डिश? नहारी। नहारी, और पसंदीदा खाने की जगह? ये बहुत सारी हैं, वैसे सबसे अच्छी घर, सबसे अच्छी जगह तो अपना घर ही होती है। सही बात है। वैसे आपने इतनी जगह YouTube और फूड व्लॉगिंग करते हैं तो आपको सबसे बढ़िया खाना आज तक कहाँ का? अहमदाबाद। हाँ, हालांकि थोड़ा सा वियर्ड साउंड कर रहा होगा, अजीब लग रहा होगा, लेकिन अहमदाबाद में कुछ खाने के पॉइंट्स ऐसे हैं कि जहाँ पर बेहतरीन बिरयानी मिलती है, बेहतरीन बटर चिकन मिलता है। एक बार ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल पर उसके ब्लॉग्स मौजूद हैं। आपकी सबसे पसंदीदा वीडियो जो आपको सबसे ज़्यादा वायरल भी हुई है और लोगों ने उसको पसंद किया हो?
देखिए दो तीन वीडियोस मेरी बहुत ज़्यादा चली हैं, वायरल का लफ्ज़ बड़ा है, मैं अभी उस तक अपने आप को नहीं समझता। हाँ, लेकिन जो एक मेरी वीडियो हकीम बावर्ची वाली थी, पुरानी दिल्ली का खाना मैंने दिखाया था, वो वीडियो एक महीने के अंदर 1 मिलियन क्रॉस कर गई थी और उससे बहुत लोगों ने मुझे जाना है। कोई ऐसी मोमेंट जो सोच के आपको बहुत शर्म आती है, एम्बेरस फील हुआ? जब मेरा सेहरा बन रहा था। अच्छा, शादी के वक्त? उसकी वजह क्या है, मैं वजह भी साथ में बताऊंगा। असल में ये सेहरा और ये सब ये मिजाज के ख़िलाफ़ थी। निकाह एक अलग चीज़ है और ये जितने भी लवाजमात फालतू की रसूमात हमने अपने साथ जोड़ लिए हैं ये बहुत अलग चीज़ है। तो वो वक्त काफ़ी मैं मतलब आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल इन दैट, सेहरा बांध के और चल रहे हैं और ये ऑल दैट। सपोज़ आपके पास $1 मिलियन आ जाए तो आप क्या करेंगे, क्या ख़रीदना पसंद करेंगे? 10% चैरिटी, 90% खर्च कर दूंगा। अगर आपको मौका मिले एक किसी इंसान की ज़िंदगी में पर्सनली झांकने का, उसको पता भी ना लगे, तो आप वो किसकी ज़िंदगी में झांकना पसंद? शिराज की। कोई ऐसी चीज़ ज़िंदगी में जिससे बहुत ज़्यादा डर लगता हो? किसी का दिल दुखाने से मुझे डर लगता है कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखे, तो मेरा दिल भारी रहता है जब तक मैं उसको मनाना लूँ। दो चीज़ें अगर आपको अपने अंदर से बदलनी पड़े, अपनी ज़िंदगी से हटानी है, जो आपको लगता है कि नहीं होनी चाहिए, वो कौन सी दो चीज़ें? मेरा गुस्सा सबसे पहले और बढ़ता हुआ पेट। अच्छा, अपने खाली समय में क्या करना पसंद करते हैं? मैं अब जब से ये YouTube ज़िंदगी में आया है तो खाली टाइम में भी मैं इसी को प्लान करता हूँ, या तो कोई शूट प्लान करने के लिए सोचता हूँ कि मुझे, या फिर मैं स्क्रिप्ट करता रहता हूँ अपने जहन में। आपका फेवरेट यूट्यूबर? फेवरेट यूट्यूबर है मेरे ज़िया तबारक, जिनका स्ट्रीट फूड पीके के नाम से चैनल है। कोई ऐसे यूट्यूबर जिससे मिलने की तमन्ना है? अनुभव सपरा और गौस बजाज यानी स्पाइसलर। और कोई एक सिंगल मैसेज अगर आप यूट्यूबर्स को देना चाहते हैं, सिंगल वन लाइनर मैसेज? खुशफहमियों के सिलसिले इतने दराज हैं, हर ईंट सोचती है दीवार मुझसे है, इतराना नहीं बस। क्या बात है। और आप हमारे शो के बारे में क्या कहेंगे? भाई बहुत अच्छा है, ये जो एक कंसेप्ट लेकर चल रहे हैं शिराज, मुझे पसंद आया तभी मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। और ये सिंपली जाकर किसी से इंटरव्यू नहीं करते हैं, ये पहले उसको वॉच करते हैं, देखते हैं कि हाँ मुझे इसको इंटरव्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ख़ास टॉपिक्स को उठा रहे हैं, इनके चैनल लेकर आते हैं, वो दमदार होती है। मुझे अच्छा लग रहा है आपका शो, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं कि आपको मोहम्मद याया की ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी, और जितने भी अपकमिंग यूट्यूबर्स हैं मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वाकई में सोचते हैं और आपको लगता है कि आप यूट्यूब में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो प्लीज़ यूट्यूब में आप मोहम्मद याया को भी फॉलो कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।